हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मेरी मम्मा बहुत खुश है। अब व्हाई इज माय मॉम सो हैप्पी, यू हैव टू वॉच द फुल वीडियो। हाय गाइस, जैसा कि सबको पता ही है कि अब दिवाली आ रही है और इंडिया में तो सफाइयाँ एंड ऑल सब चल रहा होता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे भी ना, वैसे तो रूटीन में क्लीनिंग होती है पर आज थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं कि एक ही दिन में मैं सोच रही हूँ कि सारा ये क्लीन करूँ, है ना। तो फिर मैं सबसे पहले किचन से स्टार्ट करूँगी। और अभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं, विकास ऑफिस गए हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो इतने ये करती हूँ। मैं ना घर में इंडियन फूड ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को, मैं जैसे बच्चे स्कूल वगैरह में तो ये लोग लेके जाते हैं सैंडविचेस पास्ता, पर मैं चाहती हूँ कि ये इंडियन क्यूजीन को भूले ना। उसके लिए फिर मैं इनको ना घर पे जब ये खाना खाते हैं ना, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इंडियन फूड ही बना हुआ हो घर में जो मैं इनको खिलाऊँ, ताकि इनके टेस्ट बड्स इंडियन फूड के लिए भी उतने ही ये रहे कि भाई हाँ इंडियन फूड हमको चाहिए। जैसे धैर्य को दाल मखनी बहुत अच्छी लगती है, है ना। तो मैं वीक में एक बार राजमा या दाल मखनी या कड़ी, जार को मोस्ट फेवरेट है जार की कड़ी, और वो किसी भी दिन ना रात को बोल देती है कि ना मम्मा आज तो मैं कड़ी खाऊंगी। और ना कई बार ऐसा होता है कि 9 बज गए हैं और वो बोल रही है कि आज तो मैं कड़ी चावल ही खाऊंगी, और फिर मुझे इतनी रात को कड़ी चावल उसके लिए बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं अकेले ही, मुझे ही करना है ना A to Z। तो इधर मेड्स तो होती नहीं, ठीक है डिश वॉशर है। आप वैसा सोचते हैं ना कि जैसे भाई अब उतनी डिशेज ही नहीं है तो डिश वॉशर को क्या यूज़ करना है ना। जब भाई डिश वॉशर तब यूज़ होता है जब बहुत सारी डिशेज हों, तो बहुत सारी डिशेस मैं होने नहीं देती क्योंकि मुझे साथ साथ ही क्लीन करते रहना अच्छा लगता है, मेरे को मैसी सा अच्छा नहीं लगता किचन। तो फिर इसीलिए मैं डिश वॉशर यूज़ ही नहीं करती, वो ऐसे ही बस। हाँ भाई है किचन में डिश वॉशर पर यूज़ नहीं होता वो कभी भी, पर ये है कि जैसे इंडियन फूड की वजह से कितना स्प्रेड भी हो जाता है ना। हम जब हमारा इजी टू ईट फूड तो होता नहीं, हमको तो पूरे ही ये चाहिए ताम झाम। तो ना जब मैं खाना बनाती हूँ तो फिर गैस वगैरह काफ़ी मैसी हो जाती है, तो उसके लिए मैंने एक हैक सोचा। तो फिर मैं वो अभी क्लीनिंग में भी यूज़ करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या किया है ना। तो जिससे मुझे एटलीस्ट 2-3 दिन मुझे ये गैस क्लीन नहीं करनी पड़ती। मैं फॉइल कट करके गैस पे बिछा देती हूँ, जिससे ना सारा सूखा आटा या ऑयल जो भी चीज़ें रहती हैं ना वो इस फॉइल के ऊपर ही आती हैं। और जब 2-3 दिन बाद फिर मैं क्या करती हूँ, फॉइल को एज इट इज़ उतारती हूँ, नीचे से गैस बिल्कुल चकाचक निकलती है। फिर मैं बस गैस को थोड़ा हल्का सा वाइप करना पड़ता है मुझे, और वापस मैं फिर एक नया फॉइल कट करके इस पर बिछा देती हूँ। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हैक है। और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं कितने इंटेलिजेंट हूँ। वाओ। एक चीज़ हुई है मुझे आज ही पता चला
कि मैं सोच रही थी कि जैसे मंडे की दिवाली है ना, ठहरे और जार की छुट्टी करवाऊंगी और विकास को भी बोलूंगी कि वर्क फ्रॉम होम कर लें। पर ना आज जब मैं जार को स्कूल छोड़ने गई ना, तो फिर उसकी टीचर से बात हुई, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मैं ना उनके वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करवाऊँ। तो फिर मैंने बोल दिया कि कब चाहते हो तुम लोग कि मैं वहाँ पे सेलिब्रेट करवाने आऊँ, बट आई कांट कम ऑन मंडे बिकॉज मंडे इज द फेस्टिवल एंड वी जस्ट नीड टू डू द प्रिपरेशन एट आवर होम। सो कह रही कि बट मंडे इज अ पब्लिक हॉलीडे। आई सेड व्हाट? तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ए मंडे को यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे है। तो फिर हमें किसी को छुट्टी, मतलब बच्चों की ना, तो मुझे बच्चों के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी स्कूल से, और ना ही विकास को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे है मंडे को। तो ये आज मुझे बहुत खुशी हुई। तो अब फिर मैंने विकास को मैसेज भी करा, शायद उन्होंने नोटिस नहीं किया, पता नहीं क्या था। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया कि भाई मंडे का ना लेबर डे है और छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे। तो फिर अभी उन्होंने रीड नहीं किया, जब करेंगे तो फिर उनको अच्छा लगेगा कि चलो सही है यार, अब हमारा ये लॉन्ग वीकेंड आ गया। फिर तो हम लोग भी दिवाली, मतलब सैटरडे संडे मंडे, तीन दिन हमारी छुट्टी, और हम लोग अच्छे से फिर दिवाली सेलिब्रेट कर पाएंगे, तो मजा आएगा। ये बैक टू वर्क अगेन। अब मैं डोर्स और विंडोज क्लीन कर रही हूँ। बाहर वाला भी वंस इन टू वीक मेरे को ये करना पड़ता है, क्योंकि इस पे से भी काफ़ी डस्ट उतरता है जब ये करते हैं ना क्लीन, क्योंकि ओपन में ही है, रेन भी आती है ना, धूप भी होती है, तो इस पे से काफ़ी मिट्टी या जाले वगैरह उतरते हैं। तो मेरे को ये दो हफ्ते में एक बार तो करना ही पड़ता है हर हाल में। फॉरेन का ये है, अगर तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है फिर तो ठीक है, क्योंकि भाई अगर क्लीनिंग नहीं भी हुई तो वीकेंड पे दोनों मिलके काम कर लेंगे घर का भी। पर अगर हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ घर पे ही है तो रेल बन जाती है रेल। और यहाँ पे सब क्लीन दिखता है पर उसको ना मेंटेन करना और भी ज्यादा टफ होता है ना। तो जैसे ये सब क्लीन दिख रहा है पर अभी मैंने ये क्लीन किया है तो यहाँ पे इतने सारे वेब सुतरे हैं, है ना, जो जाले होते हैं, तो ठीक है पर करना तो है ही।